हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे 10, तो बस मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। 10 बस हो गया तो बस अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैं इतनी खुश हूँ, बहुत महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद मैं जा रही हूँ मैसूर 2 दिन के लिए। तो आज सैटरडे, इंशाल्लाह हम लोग मंडे को वापस आ जाएंगे। तो देखेंगे वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब व्लॉग में तो मैं शेयर करती हूँ हमेशा ही, जब भी मैसूर जाती हूँ। तो बस मैंने सोचा जाने का भी व्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी हो रहा है सुबह के 10 बजे और मैं यहाँ पे खा रही हूँ मेरा क्या बोलते हैं अमरूद खा रही हूँ मैं। एक हफ्ते से ऐसे ही कर रही हूँ, खाली पेट अमरूद खा रही हूँ। तो बस अमरूद खा के उसके 1-2 घंटे बाद नाश्ता करेंगे। और कल मैंने धो के डाले थे ऊपर कपड़े, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, उसको भी उठा के लाना है क्योंकि दोपहर को बारिश हो रही थी तो मैंने लेट डाला कपड़े और वो अभी तक सूखे नहीं होंगे, तो रात भर वैसे ही छोड़ दिया था, ज़्यादा नहीं थे तो चलेंगे। और सुबह से भी धूप नहीं है, बिल्कुल बदली छाई है, बारिश के जैसा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। हवा है तो हवा में सूख जाएंगे मशीन के सूखे हुए कपड़े। तो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और कपड़े भी आयरन करने हैं ले जाने के लिए, बहुत काम है। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ मैं, सारे कपड़े सूख गए अच्छे से और वहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं आयरन करने वाले कपड़े। तो ये कपड़े तय कर लेंगे, उसके बाद आयरन करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे बस। तो फ्रेंड्स, कपड़े सब मैंने तय कर लिए, रख दिए और आयरन भी कर लिया है। अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना, दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2:45। तो आज मैंने बनाया था अंडे की भुर्जी और पराठा। तो फसी को टिफ़िन में मैंने रोटी और अंडे की भुर्जी दी है क्योंकि हम लोग को निकलना है शाम के लिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो मैंने सिंपल ही बनाया। तो फसी का इंतज़ार करते हैं शाम तक और फिर आपको फसी से मिलाते हैं। खाना मैं खा लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। Later that same evening. फसी आ चुके हैं और हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। बज रहे हैं 6:30, 5:30 ना। लाइट वहाँ की बंद करो, हमेशा वहाँ की लाइट जला देते तुम। तो फ्रेंड्स, बस हम लोग निकल रहे हैं, वेट कर रहे हैं भट्टू भैया का। भट्टू भैया आ जाएंगे तो साथ में निकलेंगे बस स्टॉप तक। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के यहाँ थोड़ी देर के लिए, जब तक भट्टू भैया नहीं आते हैं। हाँ, धोई थी ना मैं ये। हाँ चलो चलो। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश भी हो चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा है। मौसम बिल्कुल देखिए कैसा हो रहा है, बारिश वाला। मेरे पीछे देखिए बादल काले काले हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और ठंड बहुत हो रही है। क्या कर रहा था इधर तो? डर गया था। चल रही थी तो? फ्रेंड, रास्ते का इंतजाम। ये क्या आलू का लग रहा मुझे? ये ठंडे क्यों है इतने? क्या कर रहे हैं? नहीं, वो बस वहाँ खड़ को यहाँ देखो। हाँ। पीछे एक बस गई, वो निकल गया। हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस चलने लगी है, बहुत देर हो गई थी। अभी बज रहे कितने? 7:20 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 11 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो सफ़र शुरू हो गया है मैसूर का, देखते हैं फास्ट गए तो शायद 10:30 तक भी पहुँच सकते हैं इंशाल्लाह। और मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है यहाँ पे क्योंकि नॉन स्टॉप है तो कहीं रुकेगी नहीं, तो मेरे प्यारे से हस्बैंड से ला के दे दिया है। अभी बस से उतरे, हुसैन भैया का वेट कर रहे हैं आने का और
सर मैंने बोला कौन से फ़ोन करना, तो फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं और यहाँ पे स्टैंड के पास हम लोग खड़े हैं। 9:30 बज रहा है, 2 घंटे में आई बस। मिलते हैं घर में आप लोगों से 9:30। 2 घंटे में आई है, 7:30 हम लोग निकले थे वहाँ से, 2 घंटे में आई है। सुपर फास्ट थी ना वो? नहीं जी, वो आयुर्वेद में आते तो अभी जल्दी आ जाते, वो बस A few moments later. टर्की से मंगवाए। बहुत प्यारे हैं जी। इसमें जो है स्पेशल चाय अलग टेस्ट देती है ये कप में, पता है? The next day. ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पुराने घर मैसूर में, अप्रैल का घर। हम भी एक जमाने में ये घर में थे, ऐसे घर में। फ्रेंड्स यहाँ का क्लाइमेट भी देखिए कैसा हो रहा है, बैंगलोर के जैसे ही हो रहा है, बारिश के जैसा, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ रही है। I mean, ऐसे घर में ही तो मैं कपड़े के घर में रहता हूँ। नहीं ऐसे नहीं है। नहीं वहाँ केरला में थे ऐसे घर, केरला में ऐसे घर रहते हैं। क्लाइमेट अच्छा है। क्या प्लान है आज का? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे ये लगा रखे हैं ट्रीज वगैरह भाभी ने घर के बाहर, अच्छे लग रहे हैं। मस्त क्लाइमेट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोग खड़े हैं बाहर, यहाँ का क्लाइमेट बहुत मस्त हो रहा है और नाश्ता रेडी हो रहा है। अभी नाश्ता नहीं किया हम लोगों ने, मेहंदी से फर्क नहीं पड़ता। कलर लगा दे तो नमाज सब को भूल जाते, मेहंदी में लाल लाल दिखते बाल अलग से, तो कलर ब्लैक कलर करा लूं। हां सच में ठीक है, छोड़ो ब्लैक नहीं जी, ब्राउनिश कलर कराओ, ब्लैक नहीं कराना, पूरा बाल ब्राउन हो जाती है बाद में। क्या भी नहीं बाद में बोल रहा नहीं, बोलो छोकरी आप कितने बढ़िया क्या तुम्हें लॉयल रहे तो बस। अभी तो वही बोला कि छोकरी आप फ्रेंड्स, अगर लड़का खुद या लड़की खुद लॉयल रही तो कोई भी पीछे पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी अभी तो वही बोल रही थी, वही बोल के छोकरे को लड़कियाँ की लाइन लगी है मालूम है, कुछ तुम्हारी वजह से चुप हो तो। तो फ्रेंड्स हम लोग सो के उठ गए कल रात में, हम लोग ने खाना वगैरह खा के आए थे, बातचीत करी, खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद जो है सो गए, थोड़ा लेट सोए बातें कर 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 के, तो अभी लेट उठे 10:30-11 बजे। तो ये व्लॉग मैं कल से चला रही हूँ, अभी एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर ना हो तो। फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, मैसूर आए तो आपको अच्छा व्लॉग मिलेगा नेक्स्ट। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।